कोटा जिले में आई भारी बारिश व अतिवृष्टि का असर इस कदर है कि 12 दिन बाद भी एक गांव रोशन होने की उम्मीद लगाए बैठा है। अतिवृष्टि के बाद बिजली विभाग की लापरवाही के चलते बुढ़ादीत इलाके का करीब 500 लोगों की आबादी का यह गांव आज भी अंधेरे में डूबा हुआ है। ऐसे में बिजली विभाग की लापरवाही का खामियाजा अब ग्रामीण भुगत रहे हैं। बिजली विभाग के कर्मचारियों अधिकारियों की लापरवाही का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि करीब 12 दिन से अंधेरे में डूबे इस गांव की समस्याओं के बारे में अपने उच्चतम अधिकारियों को सूचना तक नहीं दी गई। मामला जब अधीक्षण अभियंता तक पहुंचा तो अधीक्षण अभियंता ने जूनियर इंजीनियर से जानकारी ली तो मामले का पता चला। अधीक्षण अभियंता ने नाराजगी जताते हुए जूनियर इंजीनियर को गाँव में डीपी लगाने के निर्देश दिए हैं। नहीं, पाली गांव में तो एक ट्रांसफार्मर 16 केवीए का जला था जो कि 7 तारीख को जला था और उसमें 12 कंज्यूमर थे जिनका बिल बकाया था, जिनको 10 तारीख के को ट्रांसफार्मर भी दे दिया था लेकिन वो ट्रांसफार्मर वहां पे फेल हो गया। यानी कि कई बार ट्रांसफार्मर आते हैं, रिपेयर होके आते हैं और टेस्ट में फेल हो जाते हैं। टेस्ट फेल कहलाता है, जब हमने लगाते हैं तो वहाँ पर नहीं चल पाता, या तो ट्रांसपोर्टेशन में या बारिश की वजह से मॉइस्चर अंदर इंग्रेस हो गया होगा कोई, और या कोई टेक्निकल कारण रहा होगा जिसके कारण से वो फेल हो गया।